हाय दोस्तों, मैं एक बार दोबारा F18 कैरियर लैंडिंग्स के साथ लौट आया हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने इसका मिशन 1 किया था, तो आज मैं इसका मिशन 2 करूँगा। पर मैंने आपको बताया था कि F18 कैरियर लैंडिंग में मैं कैरियर लैंडिंग्स की तरह नहीं बल्कि कोई भी प्लेन में चूज़ कर सकता हूँ। कैरियर लैंडिंग्स में आप जानते होंगे मैंने आपको बताया था कि मिशन में जो प्लेन है मैं वही उसी से खेल सकता हूँ, उसी से मिशन कर सकता हूँ। तो इस मिशन में मैं F22 ले लेता हूँ। एस्कॉर्ट रेड अप टू द एयरक्राफ्ट कैरियर एंड देन रिटर्न टू द बेस। तो मुझे रेड 2 की मदद करनी है एयरक्राफ्ट कैरियर पे जाने के लिए। द टेक्नीशियंस विल वेरीफाई द डिवाइसेस आफ्टर फ्लाइट एंड लैंडिंग। तो शायद उसके ऑनबोर्ड सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा F22 और वो है F18 हॉर्नेट जो कि रेड 2 मेरा विंगमैन है। फ्लैप्स डाउन, थ्रॉटल अप। तो आप देख सकते हैं ये है रेड 2 जो कि मेरा विंग मैन है। और मुझे ये भी एक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, पर इसमें मुझे रेड 2 की मदद करनी है एयरक्राफ्ट कैरियर ढूंढने में, या शायद बस उसके साथ ही जाना है। शायद मुझे अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ये F18 और ये F22 है। F22 F18 से कई ज़्यादा फास्ट है, तो इसलिए वैसे भी मज़ा स्पीड कम रहना ही सही है इसमें। तो असलियत में ज़्यादातर फाइटर पायलट्स यही करते हैं फॉर्मेशन फ्लाइंग वगैरह, क्योंकि लड़ते तो खाली वॉर के टाइम में है या सिमुलेटर्स में। सर वैसे उनकी डॉग फाइटिंग प्रैक्टिसेस भी होती है। पर इस गेम में कोई डॉग फाइटिंग नहीं है, इसमें बस फॉर्मेशन फ्लाइंग फोटो रिकॉनेसेंस ऐसे ही मिशन है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वही मिशन है जो कैरियर लैंडिंग्स में है,
लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं किसी भी प्लेन से मिशन कर सकता हूँ, जबकि कैरियर लैंडिंग्स में मैं मिशन उसी प्लेन से कर सकता था जो मुझे दिया हुआ था, मैं और कोई चूज़ नहीं कर सकता था, अगर करता भी था तो वही प्लेन मिलता था। और एक और बात है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसमें मैं जो एयरफोर्स जैसे प्लेन है, जैसे F-22, F-16, यूरोफाइटर, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं कर सकते क्योंकि इनमें टेल हुक नहीं होती, मैं इनसे भी कैरियर लैंडिंग ट्राई कर सकता हूँ। तो कुछ ज़्यादा ही लंबा मिशन है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ठीक है, अब मैं अलाइन हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं मुझे इस एरो को इस ऑरेंज रेक्टेंगल के बीच में लाना है, इसकी सीध में लाना है। असलियत में भी फाइटर पायलट्स ऐसे ही करते हैं, मैप या फिर रेडार वगैरह में देख के ही वो प्लेन को अलाइन करते हैं। अब पता नहीं असलियत में तो ये सीन DCA जितना एडवांस तो नहीं है, फिर भी मोबाइल में इससे अच्छा सीम और कोई है भी नहीं फाइटर जेट्स के लिए। तो मैं लैंडिंग के लिए क्लियर हूँ ये कह रहा है। तो मैं लैंड हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिशन, चलिए रिप्ले देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वो रेड लाइट इसकी हमेशा फाइटर जेट्स या कमर्शियल प्लेन भी हो तो हमेशा लेफ्ट विंग में होती है और ग्रीन लाइट हमेशा राइट विंग में। ये प्लेन की पोजीशन बताती है ताकि कोई दूसरा प्लेन देखे या नीचे से कोई ATC वाला भी देखे तो पोजीशन का पता लगा ले प्लेन की। तो आप देख सकते हैं आफ्टर बर्नर। और F-22 एक इकलौता प्लेन है जिसके रेक्टेंगुलर नोजल्स है, आप देख सकते हैं इसके जो नोजल्स है वो गोल नहीं है, मतलब सर्कुलर नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेल्थ प्लेन है, इसलिए स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। और उसका IR सिग्नेचर भी काफ़ी कम है। बस इस सिम में रडर की कमी है, अगर रडर भी वो डाल देते रोटोस वाले फाइटर जेट वालों में तो बढ़िया रहता। वैसे तो रनवे जगमगाता हुआ, रनवे लाइट्स, लैंडिंग लाइट्स, रनवे लाइट्स। तो दोस्तों ये था मिशन, ऐसे ही F-18 कैरियर लैंडिंग में मैं और मिशन करूँगा, पर इसमें दो ही सीनेरियोज है, कैनियन सीनेरियो और आइलैंड सीनेरियो। तो मिशन इसमें बस बहुत ही लिमिटेड है, तभी मैंने आपको ट्यूटोरियल भी दिखाए थे, पर कोई बात नहीं, इसमें
फ्लाइट सिमुलेटर तो है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बात की वीडियोस में। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप पे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे। मैं और भी कई सिमुलेटर्स ला रहा हूँ, एक्शन गेम्स भी ला रहा हूँ फाइटर जेट्स के, तो बने रहिएगा। थैंक यू।